वेलकम टू सी आई इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। बेटा, हम चैप्टर पढ़ रहे थे मार्केट्स अराउंड अस, हमारे आसपास के बाजार। हमने इसमें वीकली मार्केट के बारे में पढ़ा, जो सप्ताह के किसी एक दिन लगती है। हमारे पड़ोस की जो दुकानें हैं, जो हमारे नेबरहुड में है शॉप्स, उनके बारे में पढ़ा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा और मॉल के बारे में पढ़ा। आज हम बात करते हैं चेन ऑफ मार्केट्स की, कि आखिर मार्केट की क्या चेन है, क्या श्रृंखला है। देखिए, इन द प्रीवियस सेक्शन, इससे पहले के सेक्शन में यू हैव रेड अबाउट द डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। आपने अलग अलग प्रकार के बाजारों के बारे में पढ़ा, जहां से हम सामान खरीदते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर प्रोक्योर देयर गुड्स? फ्रॉम वेयर डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि ये दुकानदार अपना सामान कहाँ से लाते हैं? गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, सबसे पहले जो सामान है वो फैक्ट्रीज में बनता है, ऑन फार्म्स, फार्म्स में बनता है, एंड इन होम्स, या फिर घरों में। आपने देखा होगा कुछ लोग घरों में भी सामान बनाकर उसे आगे बेचते हैं। हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्रीज और फ्रॉम द फार्म, लेकिन हम इन्हें डायरेक्ट फैक्ट्री या फार्म से नहीं खरीदते। नॉर वुड बी प्रोड्यूसर बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग इन स्मॉल क्वांटिटी सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग। कोई भी जो प्रोड्यूसर है, कोई भी जो उत्पादक है, वो अपने सामान को कम क्वांटिटी में बेचना पसंद नहीं करता, जैसे कि 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक का मग। द पीपल इन द बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर। जो लोग इन प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब जो यूज कर रहे हैं, मीन्स हम लोग बाजार से सामान लाकर खुद यूज कर लेते हैं, तो हम तो हो गए कंज्यूमर, और जो सामान को बना रहा है वो हो गया उसका प्रोड्यूसर। उनके बीच में जो लोग हैं, जिनसे सामान हम तक पहुंचता है, वो सब ट्रेडर्स यानी व्यापारी हैं। द होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, सबसे पहले जो होलसेल का व्यापारी है, जो थोक का व्यापारी है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान को खरीदता है। फॉर एग्जाम्पल, द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर विल नॉट बाय अ फ्यू किलो ऑफ वेजिटेबल बट विल बाय इन अ लार्ज लोटो 20 to 25 to 100 किलोज। वो जो एक होलसेल का जो व्यापारी है, वो कम मात्रा में सामान नहीं खरीदता, ज्यादा मात्रा में सामान खरीदता है। जैसे कि यदि कोई सब्जियां है तो 25 से 100 किलो के करीब खरीद लेता है। दीज विल देन बी सोल्ड टू द अदर ट्रेडर्स, फिर वो दूसरे व्यापारियों को बेच दी जाती है। इन दीज मार्केट्स, इन मार्केट्स में बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस बिटवीन द ट्रेडर्स। इसमें जो बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना है, वो व्यापारियों के बीच में होता है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स द ट्रेडर दैट गुड्स रीच फार वे प्लेसेस। यही वो लिंक है, यही वो श्रृंखला है, जिसके द्वारा जो सामान है वो व्यापारियों के द्वारा दूर दूर के क्षेत्रों तक पहुंच जाता है। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस इनटू द कंज्यूमर, और वो व्यापारी जिसके द्वारा ये सामान डायरेक्ट कस्टमर या कंज्यूमर को बेचा जाता है, उसे हम रिटेलर कहते हैं। दिस कुड बी अ ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, वो जो ट्रेडर है वो वीकली मार्केट का भी हो सकता है, क्योंकि कई बार हम सामान वीकली मार्केट से भी खरीदते हैं। अ हॉकर इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक हॉकर भी हो सकता है, मतलब सड़क के किनारे जो रेहड़ी लगाकर खड़े हैं वो लोग भी हो सकते हैं, या फिर हमारे नेबरहुड की जो शॉप है वो भी हो सकती है, या एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। मीन्स सामान जो फैक्ट्री में बना वो डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंचा, वहां से किसी एक व्यापारी ने खरीदा, फिर दूसरे व्यापारी तक पहुंचा, फिर तीसरे व्यापारी तक, और इस तरीके से आकर फिर वो लास्ट में रिटेलर तक पहुंचता है, और रिटेलर से फिर वो हम तक आता है। वी कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल्स, इसे हम इस उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं। एवरी सिटी हैज एरिया ऑफ होलसेल मार्केट, हर सिटी में एक एरिया होता है होलसेल मार्केट का, थोक बाजार का। दिस इज वेयर द गुड्स रीच फर्स्ट रीच, ये वो जगह है जहां पर सामान सबसे पहले पहुंचता है। एंड आर देन सप्लाई टू द अदर ट्रेडर्स, और वहीं से दूसरे व्यापारियों को सप्लाई किया जाता है। द रोड साइड होकर फ्रॉम यू रीड अबाउट द अर्लियर वुड हैव बी परचेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम अ होलसेलर ट्रेडर इन द टाउन। एक जो रोड साइड होकर है, जिसके बारे में आपने पहले के सेक्शन में पढ़ा, वो जो एक सामान को परचेज करता है, मान लीजिए वो प्लास्टिक का सामान सेल कर रहा है, तो जो प्लास्टिक का सामान उसने परचेज किया, वो उसने एक थोक के व्यापारी से खरीदा शहर में,
and in turn might have bought these from another, even the bigger wholesaler trader in the city. और जो वो wholesaler थे उन्होंने ये सामान किसी एक बड़े wholesaler के व्यापारी से खरीदा, ठीक है, मतलब जो वीकली मार्केट का व्यक्ति था, जो होकर था, उसने तो एक होलसेलर से खरीदा, उस होलसेलर ने अपने से बड़े होलसेलर से खरीदा. द सिटी होलसेलर ट्रेडर वुड हैव ब्रॉट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक आइटम फ्रॉम द फैक्ट्री. इस तरीके से जो बड़ा होलसेलर का व्यापारी था उसने बहुत ज्यादा मात्रा में सामान, प्लास्टिक का सामान डायरेक्ट फैक्ट्रियों से खरीदा या स्टोर से खरीदा या फिर गोडाउन, एक गोदाम से खरीदा. इन दिस वे आर चेन ऑफ मार्केट इज सेटअप. इससे मार्केट की चेन बनती है, मीन्स पहले फैक्ट्री, देन होलसेलर, देन रिटेलर और देन कस्टमर. मतलब पहले सामान फैक्ट्री में बना, फैक्ट्री से होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर से वो रिटेलर के पास गया और रिटेलर से वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचा गया, ठीक है. वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ द चेन ऑफ द मार्केट थ्रू विच दीज गुड्स ट्रेवल बिफोर वी रीच अस. लेकिन हम उस मार्केट के बारे में, मार्केट की चेन के बारे में नहीं जानते जिससे होता हुआ वो सामान हम तक पहुंचता है. मार्केट्स एवरीवेयर, बाजार हर जगह है. सो फार वी हैव सीन दैट द मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज. कह रहे मार्केट प्लेस वो जगह है जहां से लोग सामान को खरीदते और बेचते हैं और सेवाओं को भी खरीदते बेचते हैं. ऑल दीज मार्केट्स आर इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी एंड वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड टाइम. इन सब मार्केट की एक स्पेशल लोकेलिटी होती है और ये एक पर्टिकुलर समय के अनुसार काम करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं. हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट वन हैज टू गो मार्केट टू परचेज गुड. इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कोई इस सामान को खरीदने के लिए मार्केट तक जाए. यू कैन प्लेस ऑर्डर फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स थ्रू अ फोन एंड दिस डे थ्रू द इंटरनेट. आप सामान का ऑर्डर फोन के द्वारा भी कर सकते हैं या आजकल लोग इंटरनेट के माध्यम से भी ये कर रहे हैं. And these goods are delivered at your home. और ये सामान आपके घर में डिलीवर कर दिया जाता है. In clinic and nursing home, clinic और nursing home में you may have noticed sales representative waiting for the doctor. आपने देखा होगा या जब हम कभी किसी nursing home में या doctor के पास जाते हैं तो वहां पे जो sales person है वो doctor का wait कर रहे होते हैं, मतलब जो दवाइयां बेचने वाले हैं. वो different variety की दवाइयां लाते हैं, doctor को दिखाते हैं कि इस दवाई में क्या quality है, किस तरीके की डिजीजेस के लिए यूज होगा, वो उन्हें कितना परसेंट डिस्काउंट कर सकते हैं, ये सब बातें वो डॉक्टर से डिस्कस करते हैं. सच पर्सन आल्सो एंगेज इन सेलिंग्स ऑफ गुड. ये लोग भी सामान को बेचने में लगे हैं. थस बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इन अ डिफरेंट वे, नॉट नेसेसरी थ्रू शॉप इन द मार्केट. इस तरीके से खरीदना और बेचना कई तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह मार्केट में ही हो. द मार्केट दैट वी लुक एट द अबव आर द वंस दैट वी रिकॉग्नाइज इजिली. जो मार्केट के बारे में हमने पहले ऊपर के सेक्शन में पढ़ा उन्हें हम इजिली पहचान सकते हैं. हाउएवर दीज मार्केट्स दैट वी मे नॉट बी सो अवेयर ऑफ, दिस इज बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड दैट वी डोंट यूज डायरेक्टली. लेकिन अब हम उनके बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम इतना अवेयर नहीं है कि किस तरीके से वहां पर लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदा और बेचा जाता है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर यूज फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स. जैसे कि एक किसान को फर्टिलाइजर की जरूरत होती है फसलों को उगाने के लिए, दैट ही परचेज फ्रॉम अ स्पेशल शॉप इन द सिटी, जिसे वो शहर की एक स्पेशल दुकान से खरीदता है. एंड दे इन टर्न देम फ्रॉम द फैक्ट्रीज. और फिर उसे वो कहाँ से खरीदते हैं, उन्होंने उन्हें फैक्ट्री से खरीदा था. ऐसी जो कार फैक्ट्री परचेज, एक जो कार फैक्ट्री है वो इंजन खरीदती है, गियर खरीदती है, पेट्रोल का टैंक, एक्सल्स, व्हील, सब अलग अलग वेरियस अदर फैक्ट्रीज, अलग अलग फैक्ट्री से खरीदती है. मतलब हमने तो सिर्फ कार को देखा लेकिन कार को बनाने में पहिया लगा, गियर्स लगे, है स्टेयरिंग लगा, वो सब अलग अलग फैक्ट्रीज से आते हैं. वी डोंट यूजली सी ऑल बाइंग एंड सेलिंग. हम उन सब चीजों की खरीदना और बेचना नहीं जान पाते. बट ओनली द फाइनल प्रोडक्ट, हमें तो सिर्फ एक फाइनल प्रोडक्ट दिखता है और वो क्या है, कार इन द शोरूम. जो शोरूम में हमें कार दिख रही है हमें नहीं पता कि उस कार को खरीदने के लिए उन्होंने वो सब पार्ट्स कहाँ कहाँ से खरीदे. द स्टोरी इज सिमिलर फ्रॉम द अदर गुड्स. ये स्टोरी बिल्कुल बाकी दूसरे गुड्स की तरह है. जो अदर गुड है वो भी, जो बाकी के सामान है वो भी इसी तरीके से खरीदे जाते हैं. मार्केट्स एंड इक्वालिटी, बाजार और समानता. In this chapter we look at the shop in a weekly market and those in the shopping complex. हमने इस पार्ट के अंदर हमने शॉप ओनर्स के बारे में पढ़ा,
जो दुकान के मालिक थे वो साप्ताहिक मार्केट बाजार में भी थे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भी थे। दे आर द डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग लोग थे। वन इन द स्मॉल ट्रेडर विद अ लिटिल मनी टू रन द शॉप, वेयर द अदर इज एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू सेट अप द शॉप। एक छोटा सा व्यापारी जो एक छोटी सी पूंजी से अपने व्यापार को शुरू करता है, और वहीं पर जो दूसरा व्यापारी है वो अपनी शॉप को सेट करने में बहुत ज्यादा पूंजी भी लगा सकता है। दे ऑल्सो अर्न इक्वल अमाउंट, अनइक्वल अमाउंट, और वो जो पैसा कमाते हैं वो भी अनइक्वल है, असमान है। द वीकली मार्केट ट्रेडर अर्न लिटिल कम्पेयर टू द प्रॉफिट ऑफ अ रेगुलर शॉप ओनर इन द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। वहीं पर जो एक वीकली मार्केट का जो व्यापारी है वो बहुत कम पैसा कमा पाता है यदि हम एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार से उसका कंपैरिजन करें तो। सिमिलरली बायर्स आर डिफरेंटली प्लेस, जो बायर्स है खरीदार है वो अलग अलग जगह हो सकते हैं। देयर आर मैनी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द चीपेस्ट ऑफ गुड्स व्हाइल अदर्स आर बिजी इन द शॉपिंग इन मॉल। कई तो ऐसे लोग हैं जो बहुत सस्ता सामान भी नहीं खरीद पाते, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मॉल से शॉपिंग करने में रेडी रहते हैं। Thus, whether we can buy buyers and sellers in the different markets depend among other things on money that we have. तो ये जो खरीदना और बेचना है अलग अलग मार्केट में, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना पैसा है, हम किस प्रकार की मार्केट से जाकर सामान को परचेज कर सकते हैं। We also examine the chain of the market that is formed before goods reach us. हमने इससे पहले मार्केट की चेन के बारे में एग्जामिन किया था कि किस तरीके से सामान हम तक पहुंचता है। It is through this chain that we that what is produced in one place reaches people everywhere. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस चेन के द्वारा जो सामान एक जगह पर उत्पादित हुआ है वो अलग अलग जगहों पर पहुंच जाता है सब लोगों के पास। When things are sold, जब सामान बेचा जाता है, it increases production, उससे production को प्रोत्साहन मिलता है, वो factories और ज्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार रहती हैं। एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड फॉर पीपल टू अर्न, और लोगों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं पैसा कमाने के, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोडक्ट की सेल होगी उतने ज्यादा लोग उसमें एंगेज होंगे, उसमें लग जाएंगे और प्रॉफिट कमाएंगे। हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इस प्रकार से उन्हें जो, क्या आपको लगता है कि जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज पैसा कमाने के जो साधन मिल रहे हैं वो बराबर होते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम कितना पैसा लगा पाते हैं उस चीज के अंदर ये बहुत डिपेंड करता है। We will try understand this through a story of a shirt. हम इसे एक शर्ट की स्टोरी के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेटा यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके okay.